चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का बनेगा पैनल। कोर्ट ने कहा चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता लोकतंत्र के लिए जरूरी। चुनाव आयोग में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ की तर्ज पर अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई का एक पैनल बनेगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक कमेटी बने जिसमें प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो। ये कमेटी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं है तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाए। जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक मत के साथ ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में कोई कानून नहीं बनाती है तब तक इस फैसले को मानक मानते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां की जाएंगी। दरअसल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका हस्तक्षेप से चुनाव आयोग के कामकाज को अलग करने की जरूरत है। ये भी कि चुनाव आयुक्तों को सीईसी के सम्मान सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें सरकार द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता। संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया था लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने उनके विश्वास को धोखा दिया और पिछले 7 दशकों में कानून नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चुनाव आयोग जो कानून के शासन की गारंटी नहीं देता वो लोकतंत्र के खिलाफ है। इसकी व्यापक शक्तियों को अगर अवैध रूप से या फिर असंवैधानिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो इसके राजनीतिक दलों के परिणामों पर असर पड़ता है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ये अनुचित तरीके से काम करता है तो वो स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्रति दायित्व की स्थिति में एक व्यक्ति के मन की एक स्वतंत्र रूपरेखा नहीं हो सकती। एक स्वतंत्र व्यक्ति सत्ता में रहने वालों के लिए दास नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।